सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने निर्माणाधीन संसद भवन की छत पर स्थापित राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची है, जिसका वजन 9500 किलो बताया जा रहा है। अशोक के सिंह स्तंभ से पर्दा हटाने के बाद पीएम मोदी ने उसके नीचे बैठकर हिंदू रीति रिवाज से विधिवत पूजा अर्चना की। बकायदा 2 पुजारियों को बुलाया गया था, जिन्होंने मंत्रोच्चार के साथ सभी कर्मकांडों को पूरा कराया। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष ने नए अशोक स्तंभ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अशोक स्तंभ को लेकर अब सियासी रण छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि जब संसद सारी पार्टियों का है तो संसद से जुड़े कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया गया। सीपीएम की तरफ से भी इस पूरे विवाद पर एक ट्वीट किया गया है। उनके मुताबिक पीएम ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ किया, जो ठीक नहीं था। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्यमेव जयते से संगीमेव जयते का बदलाव पूरा हुआ, इसमें अब शेरों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। उधर आप सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए सवाल उठाया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा था कि पुराने अशोक स्तंभ में सिंह जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिखता है, वहीं दूसरे में सिर्फ खौफ फैलाने वाला जैसा लग रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव है, जबकि नई मूर्ति में आदमखोर प्रवृत्ति दिखाई देती है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उस अनावरण के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता दिया। वे कहते हैं कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपरी राष्ट्र प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि नए संसद भवन में जो अशोक स्तंभ रखा गया है वो पूरी तरह सारनाथ वाले मॉडल से ही प्रेरित है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष ने एक प्रिंट हुआ 2D मॉडल देखा था, अब वो इसकी तुलना इस 3D आकृति से कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह भटक चुके हैं। आपको बताते चले कि अशोक स्तंभ भारतीय लोकतंत्र की पहचान रहा है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अपनाया था। नए संसद भवन की छत पर बना अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय प्रतीक ब्रॉन्ज से बना है। इसका वजन 9500 किलो है, उसकी लंबाई 6.5 मीटर। इस प्रतीक को उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया गया। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से ज्यादा कारीगरों ने 9 महीने तक दिन रात काम किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।